ये है भीलवाड़ा का मौसम। यहाँ पे हो रही है जम के बारिश। नाइस नाइस मौसम, अच्छा लगा। भीलवाड़ा का मौसम जो है वो ऑसम हो रखा है। इतनी तेज हवाएं चल रही है ना कि पूछो मत। और बहुत बारिश हो रही है, बहुत सुंदर सा मौसम है। ठंडी ठंडी लग रही है, जुकाम भी लग रही है। बस थोड़ी देर मज़े ले लेते हैं। कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है जिधर सच में। मौसम बड़ा ही खुशनुमा होता जा रहा है यहाँ पे। ऑलरेडी सर दुख रहा था और ये होठ भी बहुत फट रहे हैं यार। दर्द हो रहा है होठों में, ऐसा दर्द हो रहा है, इतने फट रहे ना कि दर्द हो रहा है। चेतन की तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है तो उनको भी फीवर वगैरह हो रहा था। चाय आप बना रहे हो कि हम बनाएं? हमें बतानी पड़ेगी, हम बनाएंगे चाय। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त हो गए। हम लोग भी अच्छे हैं। थोड़े से बीमार है बस, बाकी हम ठीक है। थोड़ा सा कफ हो गया है, वो तो कल होली खेली थी तो होना ही था। बात ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। और अभी जो है मैं जा रही हूँ यहाँ पे, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे जिस दिन होली मनाते हैं, जिस दिन जैसे कल शीतलाष्टमी थी और उस दिन सबने होली खेलते हैं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट डे लोग सब लोग एक दूसरे के घर जाते आते हैं, जैसे कि यूजुअली होली दिवाली पे हम लोग करते हैं वैसा ही। तो आज का वो सीन था तो, बट यू नो एक ब्लॉक में इतने सारे फ्लैट्स हैं, सब जगह पे जाना करना पॉसिबल नहीं हो पाता एक दिन में। तो सबने प्लान किया कि सब लोग एक जगह पे मिलते हैं और इन्जॉय करते हैं। सॉरी। तो 3:30 का टाइम था, ऑलरेडी 4 बज चुकी है, 4:15 हो रही है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि आज चेतन की तबीयत सही नहीं थी, चेतन घर पे ही थे तो थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। पर अभी निकल रही हूँ और वहाँ चल के आपको थोड़ा बहुत हुआ तो कुछ दिखा दूंगी। हाथ से बनाया है आवाज आ रही है और तो सच में बैठ के एक जगह पे यही करती है। तो सारे औरतों के बीच में क्या कर रहा है? तो सारे औरतों के बीच में क्या कर रहा है? तो यहाँ पे खाने पीने का कार्यक्रम हो चुका था और हम जो मैंने यहाँ पे आने के बाद सीखा और मैं बर्थ पार्टी भी खेलती हूँ। मेरी मिलती है लास्ट टाइम सेकेंड, ये तीसरी बार मेरा, दूसरी बार मैंने कोई ट्रिक सीखी थी इसमें कि कैसे पता करते हैं कि किसमें है किसमें नहीं है। और ऊपर शायद कुछ और नया सीखी। चिल्लम चिल्ली हो रही है हमारी। दो सेकंड की शांति है इंसानों में।
सो एक जगह जाने के बाद में हम लोग नीचे गिना के घर आए, क्योंकि उसने स्पेशली कुछ पानी पूरी वगैरह बनाई, तो मुझे ठीक ही चलना पड़ेगा। तो हम लोग को ज़्यादा रूम नहीं है, आधे लोग चले गए, थोड़े बहुत लोग बचे। हम लोग इसके घर में आए कि टेस्ट करते हैं, चलो ठीक है तुमने बनाया तो फिर टेस्ट करके तुम्हें बताएंगे कि कैसा बनाया। और बहुत मस्ती करी, सर दुखने लग गया। मैंने 50 रुपये जीते हाउस में, 30 रुपीज़ का गेम था और 50 रुपीज़ जीते मैंने। बहुत ही सुंदर मौसम था, तो मैंने मोनिका को कहा, हम दोनों का थोड़ा सा गला बैठा हुआ है पर स्टिल हमने कहा कि भाई साहब इतना अच्छा मौसम हम मिस कर ही नहीं सकते, चल। अच्छी बारिश हुई है और बहुत सुंदर मौसम है। ये जो बारिश वाली खुशबू है वो इतनी अच्छी लग रही है ना, एकदम फ्रेश लग रहा है सब कुछ। सही में तो हम लोग ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे मतलब ये लगे हुए हैं, सीमेंट की चेयर्स लगी हुई हैं। मैंने मोनिका को बोला हुआ है कि डॉक्टर ने भी मना किया बहुत ज़्यादा वॉक के लिए, तो थोड़ा रेस्ट ही कर। तो हम लोग यहीं पे बैठ के रेस्ट कर रहे थे। थोड़े बहुत मैं मैसेज वगैरह पढ़ रही थी, कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी बैठ के आराम से। तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आपके घर वाले आपके यू नो कौन तरह के फंक्शन नहीं आए। तो जाहिर सी बात है घर वाले नहीं दिखे, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसने भी देखा वो यही पूछेगा कि यार इसके घर वाले क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं थे क्योंकि तुम मंदिर की सीढ़ियों में मिली थी, क्योंकि मेरे जो पीहर साइड में है वहाँ पे बच्चा पैदा होने से पहले कोई भी फंक्शन नहीं मनाया जाता है। रीज़न मुझे नहीं पता, शायद मम्मी ने भी मुझे अभी बताना सही नहीं समझा, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा अपने यहाँ पे ये फंक्शन नहीं मनाते हैं कुछ भी, ना बच्चों के नए कपड़े आते हैं ना लड़की के। बच्चा हो जाएगा उसके बाद हमारे फंक्शंस होते हैं जो हम ज़रूर करेंगे, पर उससे पहले यू नो नहीं मनाए जाते। तो फिर हमने भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया, और ठीक है हमारी साइड मतलब मेरे ससुराल साइड होता है तो हमने मना लिया, और बस इतना सा रीज़न था। बाकी घर वालों से मिलना है कि मोनिका के घर वाले कभी नहीं मिल रहे हैं, या फिर तो आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखो कि उनमें आपको मिल जाएंगे। और बाकी अभी मैंने थोड़े दिन में यू नो किसी ने किसी को बुलाया। चिंतन की शादी में भी आप लोग कह रहे थे कि कोई आया नहीं, बट आए थे। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं आए थे, सौरभ आया था, इसका ब्रदर है जो कि तो आते हैं, बट उस टाइम पे कैप्चर करना उसको स्पेशली थोड़ा सा हो जाता है कि कुछ काम कर रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। और थोड़े टाइम बाद में आपको यहाँ भी दिख जाएंगे। सो ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि हमने बुलाया नहीं है, आए नहीं। बेसिक सा बहुत सिंपल सा यही रीज़न था कि हमारे यहाँ पे नहीं मनाते, तो हमारे यहाँ पे बच्चा होने के बाद में सारी चीज़ें की जाती है, तो वो बाद में उसके बाद भी जैसे भाई लोग आने वाले थे, मेरे भाई सौरभ, मेरी बड़ी भाभी तो खुद प्रेग्नेंट है तो भाई आ नहीं सकते हैं, लेकिन छोटा वाला आने वाला था। लेकिन उसका भी है कि मार्च क्लोजिंग है, दिल्ली में जॉब करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तो बिल्कुल भी अभी लास्ट मंथ उनके भाई की शादी थी, तो उन्होंने ऑफ लिया था शादी के टाइम पे 15 दिन का, तो उनको बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल रही थी, और वो एक दिन के लिए एक दिन में आना और जाना दोनों पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि बस एक महीना और आने का, फिर सब साथ में आएंगे। तो मैं भी इसी चीज़ का वेट कर रही हूँ, और जब आएंगे इस बार पक्का 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 सबसे मिलवाऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चेतन पंगे ले रहे हैं इनसे। नहीं, हमारी भैंसिया है। क्या है? भैंसिया हमारी भैंसिया है वो, मैं थोड़ा सा शूट नहीं कर पाई जब वो मुड़ के आपकी तरफ देख रही थी। मिस कर दिया ना तुमने, और साथ ही साथ इतने सारे जो मेरे यूजर सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मिस करवा दिया। आजा चले।